और आज से ऋषिकेश में इंटरनेशनल योग फेस्टिवल की शुरुआत हो रही है। 100 से ज्यादा देशों के 1200 से ज्यादा डेलीगेट्स हैं इस योग फेस्टिवल में हिस्सा लेंगे वो, और 29वें योग फेस्टिवल के दूसरे दिन यानी कि कल पीएम मोदी भी इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रूबरू होंगे। परमार्थ निकेतन में योग फेस्टिवल की सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं और अब आज इसका आगाज होगा। तो चलिए हम रुक करते हैं, हमारे साथ संदीप गोसाई हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए हैं। संदीप, अंतर्राष्ट्रीय योग फेस्टिवल है ये और अपने आप ही नाम इसका बयां कर रहा है कि कितने बड़े स्तर पर होने जा रहा है ये। किस तरह से अब इसकी तैयारियां आप देख पा रहे हैं वहां पर, क्या क्या खास रहेगा इस पूरे कार्यक्रम में? देखिए शिल्पी, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव अपने आप में एक बड़ा कार्यक्रम है, खास तौर पे अगर उत्तराखंड के पर्यटन रोजगार से इसको जोड़कर देखें। चारधाम यात्रा से पहले हर साल ये पहले इसकी जो तिथियां हैं वो पहले से निर्धारित रहती हैं। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो 1 से 7 मार्च के बीच हर साल आयोजित होता है। इससे पहले 80 के दशक से ये परमार्थ निकेतन में आयोजित होता था, उसके बाद पिछले 2-3 सालों से इसमें राज्य सरकार ने दिलचस्पी दिखाई और पूरे जो कार्यक्रम है उसको अपने हाथों में ले लिया एक तरीके से कहें तो। करीब 1000 से ज़्यादा जो है विदेशी इसमें शिरकत कर रहे हैं, वो एक बड़ी संख्या है। पहले भी इसमें विदेशी शिरकत करते थे, लेकिन जिस तरीके से सरकार पिछले 3-4 सालों से इसमें इंटरेस्ट ले रही है, रुचि दिखा रही है और इसको एक्सपेंड भी कर रही है। परमार्थ निकेतन में होता है, उसके बाद जागेश्वर में भी सुखबुगाहट होती है, जागेश्वर में भी राज्य सरकार योग फेस्टिवल कर चुकी है, तो इसको फैलाने की भी बात हो रही है। GMVN इसमें मुख्य भूमिका में है। शिल्पी अगर बात करें तो पूरी तैयारियों को अपने हाथ में पर्यटन विभाग ने ले लिया और पर्यटन विभाग की जो नोडल एजेंसी है GMVN वो इसको अपने हाथों में इसको पिछले 3-4 सालों से ले लिया है और उसके बाद धीरे धीरे इसका विस्तार हो रहा है, इसको व्यापक किया जा रहा है। पहले परमार्थ निकेतन के इर्द गिर्द ये ज्यादा ये कार्यक्रम लोगों तक पहुंचे। शुक्रिया आपका पूरा इस जानकारी के लिए।